आज दिनांक 30/11/2022 को दरभंगा जिला में इलाहाबाद बैंक रिटायर्ड पर्सन्स ऑर्गेनाइजेशन की वार्षिक बैठक श्री गोपाल झा की अध्यक्षता में आयोजित किया गया, जिसमें दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर के 50 से ज्यादा सदस्य शामिल रहे। बैठक में सेवानिवृत्त साथियों द्वारा उठाए गए निम्न मुद्दों पर चर्चा हुई तथा केंद्रीय सरकार को निम्न मांगों की पूर्ति हेतु स्मारक पत्र भी भेजा गया, जिसमें पेंशन का ऑपरेशन, बैंक जमा के ब्याज पर आयकर छूट की वर्तमान सीमा 50,000 से बढ़ाकर 1,00,000 की जाए, आयकर छूट की सीमा 5,00,000 से बढ़ाकर 10,00,000 की जाए, वर्तमान आयुष्मान भारत योजना की सुविधा सभी वरिष्ठ नागरिक को सपरिवार दिया जाए, स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर लगने वाली GST की दर में छूट की जाए, वरिष्ठ नागरिकों को रेलवे टिकट में मिलने वाली छूट को फिर से बहाल किया जाए। इस मौके पर गोपाल झा, अहमद हुसैन, कैसर आलम, अंजार अहमद हाशमी, बिरस बिहारी महतो, अशोक कुमार झा, संतोष कुमार झा, रामाशंकर चौधरी, सुधीर कुमार चौधरी, DM महतो, ब्रजेश्वर शरण, RP पुडवी के अलावा दर्जनों लोग मौजूद थे। इसमें हम लोग का पेंशन फंड भी इंक्लूडेड है, जिसमें बहुत सी राशि जमा है, सरकार उसको इन्वेस्ट करती है और उस पर भी इनकम लेती है। हम लोग के पेंशन फंड जो हमारा है वो भी सरकार के पास ही जमा है। आप लोगों का बहुत सारा पेंशन जो है, जैसा अभी आपने कहा है, सरकार के पास जमा है। न्यू पेंशन पॉलिसी ला रही है और सरकार ये की नीयत एकदम खराब है कि आपके भी पेंशन को वो खा जाए। आपको लगता है कि सरकार आपके प्रति ईमानदार है? नहीं, ऐसी तो उम्मीद है मैं नहीं करता हूँ कि पेंशन खा जाएगी, क्योंकि तब तो सरकार ही कोलैप्स करने की बात होगी। अगर हमारा पेंशन, जो सरकार का पैसा नहीं है, हमारा पेंशन फंड में जमा है, उसको भी अगर सरकार खा, आप जानते हैं कि खास करके स्पेशली इन बैंक केसेस, मैं आपको बताऊँ कि रिटायर्ड में हम लोग का पेंशन वो एट पार नहीं होता है जो जो गवर्नमेंट के जो अधिकारी लोग होते हैं, तो उसमें बहुत ज़रूरी है ये होना, नहीं तो मूवमेंट में भी दिक्कत होगी आपको, कहीं जाने आने में, मेडिकल पर्पज़ से ही कहीं जाने आने में आपको दिक्कत होगी, तो ये बढ़ना चाहिए, होना चाहिए। सर, जिस तरीके से भारत की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है, उसे देश चलाने के लिए पैसा नहीं है, तो आप जैसे रिटायर्ड लोगों पर क्यों ध्यान दे सरकार? नहीं, ये प्रश्न आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। हम लोग इसलिए दे रहे हैं, हम लोग ये डिमांड दे रहे हैं कि जहां एक तरफ जो भारत सरकार में जो भी अर्थव्यवस्था है उसमें जितना हम लोग शेयर कर रहे हैं रिटायरमेंट होने के बाद भी, वो आपको शायद पता होगा कि अभी भी, जैसे मैं आपको बताऊं कि रिटायर होने के बाद भी मैं मोर देन 60,000 इनकम टैक्स अभी भी साल में पे करता हूं। जो पेंशन फंड हम लोगों के द्वारा जो नौकरी के दौरान जो हम लोग जमा किए और वो किसी बैंक के अधीन है और सरकार उसका लाभांश लेती है, तो उस लाभांश का जो कुछ अंश योगदान है वो हम सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी मिले, ये हमारा मुख्य मांग हुआ है ना, क्योंकि हमारे ही फंड से सरकार उसका लाभांश कमाती है या लेती है और उसका खर्च कहीं दूसरे जगह करती है और हम लोगों पर ध्यान नहीं।